तो दोस्तों अभी आपके सामने है जेईई मेंस 2024 का ये क्वेश्चन, जो कि है दोस्तों आपको ये, दोस्तों ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है। इसमें आपने दोस्तों पानी डाला, H2O डाला और NaOH में आपने ट्रीट किया, तो क्या बनेगा? तो इससे पहले आप थंबनेल में ऑप्शंस देख के ट्राई करें, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आपके ऐसे क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सा मैकेनिज्म करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, Na प्लस के साथ OH माइनस आएगा और यहाँ पर कोई भी हीट नहीं है, कोई भी हीट यहाँ पर नहीं दी गई है, यानी कि ये आपका एलिमिनेशन नहीं करेगा, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ पर होना क्या है, होना तो आपका दोस्तों यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ही है, होना यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है। तो अब सब्स्टिट्यूशन दो टाइप का होता है, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। तो एक होता है जो दोस्तों SN2, तो SN2 कौन देता है, SN2 दोस्तों देता है 1 डिग्री वाला। तो हमें देखना है कि ये कहीं 1 डिग्री तो नहीं है। अब 1 डिग्री क्या, 1 डिग्री दोस्तों कार्बो कैटायन। तो हमें देखना है कि हटेगा कौन यहाँ पर, तो यहाँ से दोस्तों सीएल हटेगा, यहाँ पर सीएल को हटाएंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस आपने देखा प्लस यहाँ पर क्या है, 2 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा है, तो अब 2 डिग्री वाला यहाँ पर नहीं देगा, ये मेनली 1 डिग्री देता है आपका SN2। तो अब यहाँ पर क्या होगा, SN2 नहीं होगा तो क्या होगा, SN1 होगा। और SN1 होता कैसे है, SN1 दोस्तों आपका कार्बो कैटायन से आपका होता है। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, अब हम इसको बना ही लेते हैं। हमारे पास ये है, हमारे पास ये आपका है, ये ऐसे 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 ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास सीएल है। तो अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर हमने इसको NaOH के साथ ट्रीट की करवाया है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये आपका Na+OH- माइनस में टूटेगा और ये क्या है यहाँ पर दोस्तों, ये जो क्लोरीन है यहाँ से चला जाएगा, क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा, तो क्लोरीन लीव कर जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना, तो पॉजिटिव चार्ज के साथ दोस्तों प्रॉब्लम कुछ पॉसिबिलिटी आपकी होती है। पॉजिटिव चार्ज जब आपका होता है कार्बन के ऊपर, तो कुछ आपकी पॉसिबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। ये आपका क्या बना है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बो केटायन आपका बन चुका है। तो अब ये रीअरेंज दोस्तों हो सकता है अगर स्टेबिलिटी मिले, तो हमें देखना है कि हम कुछ ऐसा कर लें कि स्टेबिलिटी मिल जाए। तो हम स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम दोस्तों कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये कार्बन आपका 1 है, ये कार्बन 2 है, वैसे ये 1 है और ये 2 है, हम क्या करते हैं हाइड्राइड को शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर हम दोस्तों मिथाइल को भी शिफ्ट कर सकते हैं, CH3 को शिफ्ट कर सकते हैं, या तो दोस्तों हम यहाँ पर फिनाइल या फिर बेंजीन को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, PH- से आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो इसके लिए आपका ऑर्डर होता है, सबसे पहले हाइड्राइड, उसके बाद फिनाइल, उसके बाद आपका लास्ट में मिथाइल। तो हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी कैसे आती है, स्टेबिलिटी का दोस्तों आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, बहुत चीजों से आती है, लेकिन मेनली आपको एक बेसिक ऑर्डर ध्यान रखना है, 3 डिग्री का ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, उससे 1 डिग्री से। तो यहाँ पर क्या 3 डिग्री आपका कार्बो कैटायन बन सकता है, तो अगर मैं सोचूं एक टाइम के लिए कार्बो कैटायन यहाँ पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, तो ये आपका ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो ये 3 डिग्री बन सकता है। तो हम अब क्या शिफ्ट करेंगे, अब हम यहाँ पर शिफ्टिंग करेंगे कि ये कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है अपना नेगेटिव चार्ज लेकर यहाँ पर आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर अपना नेगेटिव चार्ज लेकर आ जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव आ जाएगा, तो ऐसे हमारी शिफ्टिंग पूरी हो जाएगी। मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को नेगेटिव चार्ज देके वहां भेज दिया, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसने यहाँ पर आया, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से ये यहाँ का चार्ज तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन गया इलेक्ट्रॉन लेकर, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब बन गया है एक पॉजिटिव चार्ज, जो कि जहां से सीएल निकला था वहां पे नहीं है, तो अब पॉजिटिव चार्ज दोस्तों बन चुका है हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर, ये ऐसे हमारा ये बना हुआ है, इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से आगे आप कोई स्टेबिलिटी नहीं कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर हमारा आएगा OH-, क्योंकि NaOH हमने डाला है, तो OH- के आपके आयन्स होंगे, तो OH- पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा, तो ये आपका बनकर आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, वहां पर आपका ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में आपका एक
OH आपका लग जाएगा। तो आज हमने सीखा कि हम कैसे किसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करते हैं। सुनिए क्या देख रहे हैं, आपको पहले हीटिंग नहीं होनी चाहिए, पर एक पर सॉल्यूशन आपका होना चाहिए आपका NaOH का या फिर KOH का। उसके बाद अगर आपकी शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी हो तो आप शिफ्टिंग कर लें, नहीं तो आप उसी को वहीं पर OH को लगा दें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।